सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह आठ बजे बस 3 घंटे बाद बजेंगे 11 और हम सबको रहना तैयार, पहुंचना है जगह जगह, दिल्ली वाले रामलीला मैदान आसपास वाले जहां पहुंच सके, बाकी को पहुंचना है अपने अपने शहर में, अपने अपने कस्बे गांव में, आंदोलन के लिए, रैली के लिए, धरने के लिए अपने अपने इलाके के सांसद के पास ज्ञापन लेके, ज्ञापन की कॉपी आपके पास है, छोटी छोटी बात है, सुरक्षा अधिकार आपको मालूम है, वह ज्ञापन देना है, मोहर लगवानी है और चैनल महालक्ष्मी को उसकी फोटो और वीडियो भेजनी है, क्योंकि हमारा प्रयास है जितने सांसद हैं उन तक वह सामूहिक वीडियो सब जगह भेजी जाए इस तरह से। पर हाँ, सादर जय जयंत, करते हैं आज की शुरुआत। अभी दौज को 111वां दीक्षा दिवस मनाया गया, बहुत सालों से आचार्य श्री सुनील सागर जी के परम सानिध्य में वही परंपरा आज चली गई। चतुर्थ पट्टाचार्य महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी और उसके बाद सन्मति सागर सम्राट तपस्वी और इनके बाद उस वट वृक्ष के अंदर आचार्य सुनील सागर जी। वहाँ बात हुई कि 111वां है, सौभाग्य मिला बोलने का, तो वही बात है, एक 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 तीन परंपराएं चल रही हैं जिनका प्रतीक होता है 111। अगर ये तीन परंपराएं चलती रहें तो आज 1820 से ज़्यादा संत आज हमारे इस पर विहार कर पा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत की थी 1913 में आचार्य श्री आदि सागर अंकलीकर जी ने, फिर शांति सागर जी दक्षिण और फिर शांति सागर जी छाणी, इस परंपरा शुरू करते थे। आज सारे दिगंबर संत इस तरीके से आज उन्मुक्त रूप से अपने दिगंबर के साथ विहार कर पा रहे हैं। पर हाँ, इस समय की बात आ रही है, बात तुम कर रहे हैं शीर्षक की, आपने कहा शीर्षक में तो कुछ और लिखा है, आपने लिखा क्या, हमने कमंडलू चोरी हो गया साधु का। अब आप सोचेंगे किस साधु का हुआ, और वह बेचने के लिए चला गया, बेचने के लिए, आखिर बड़ा कमंडलू था, बहुत बड़ा कमंडलू, इतना बड़ा जितना बड़ा आपने अब तक देखा नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं ना, जिन्होंने शायद आज से जो 70-80-90 साल के होंगे, उन्होंने देखा हो, भाई तो देखा हो, तो किसी ने ऐसा समय नहीं देखा। कमंडलू चोरी हुआ, चोर पकड़ा गया, उसने कहा, क्या कहा उसने पता है, कहा मैं अगर आपके यहाँ चोरी करता तो कोई भी मुझे शिकायत कर देता, पर साधु का है, कोई चोरी की कोई शिकायत नहीं करेगा। क्यों कहा पता है, आज दिमाग लगाओ पहले सोच के, क्योंकि आज किसी साधु की कहीं दुर्घटना होती है ना, हत्या कहोगे, हम कहते हैं हत्या हो जाती है तो कोई समाज वाला आगे नहीं आता है, साधु का विहार हो जाता है, फाइल बंद हो जाती है और हम आँख पर आँख बंद करके और हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते हैं। बहुत बड़ा सवाल है चिंतन का। पर हाँ, कमंडलू किसका चोरी हुआ, कैसे हुआ और फिर उसे सजा क्या मिली, यह सुनने वाली बात है आचार्य श्री सुनील सागर जी के मुखारविंद से। सुनिए जरा। उनका कमंडल, अब 4-7 दिन बाद हाथ हो जाते थे तो कई बार कमंडल लावारिस की तरह एक तरफ रखा रहता था, तो पता नहीं क्या सोचा, हम लोग गांव में जब विराजमान थे तो वही कमंडल ले गया, मैं देखा कमंडल कमंडल कहां गए, लोगों ने इधर उधर भाग दौड़ की, मन पड़ा कि कमंडल दो, बाजार में नीलामी के लिए पहुंचा हुआ है, जो समझदार स्वभाव थे उन्होंने घेरा मालूम किया, फिर खा लिया उसको, उठा करके कमंडल को उठा करके महाराज के पास पहुंचे। रोने लगा, बड़े बड़े लोग, कि तुमने ऐसा अपराध किया, कमंडल चुरा है, तो बाजार में बेचने चले गए। उसने कहा क्या करें, आप लोगों के यहां किसी के यहां चोरी करूंगा तो मार खाऊंगा, महाराज जी का कमंडल चुरा लिया तो मैंने सोचा कि कोई भी भूलेगा नहीं, महाराज जी के आगे पीछे लेकिन क्या करूं, चोरी करना मेरा कोई चोरी हमारी की है, जैसे आप लोग की पुलिस वाले क्यों सजा देंगे, सजा भी हम ही देंगे। लोगों ने सोचा कि ये बढ़िया बात है, अब बढ़िया सजा देंगे महाराज जी को। महाराज ने कहा भाई इसकी यही सजा है, आदमी की सूरत से उसके चार साल से मालूम पड़ रहा है कि कोई पेशेवर चोर नहीं है, उसकी हरकतों से मालूम पड़ रहा है किस तरह से परेशान अपने गांव में पेश आना निश्चित ही उनके सब गुणों के कारण से संभव होता। आदि सागर अंकलीकर आचार्य श्री अंकलीकर गांव के, इसलिए आदि का नाम। उनकी खास बात थी, वह भी सुनिएगा, पर उससे पहले सुनाते हैं आचार्य श्री से। उन्होंने बताया जैसे मालूम आपको, वो 7 दिन में एक बार एक ही वस्तु वार करते थे, आज आम ने तो आम आम बस, और फिर संडे लिया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि छुट्टी,
कोई यार नहीं। गजब की बात किया, कमंडलू उठाया, पक्षी ली और चल दिए जंगल के अंदर। कमंडलू बाहर रखा है, कोई लेके चंपा तो गया। सुनिए आपने कहानी बस। हाँ, कभी आपने सोचा है आप एक दिन के लिए एक बार भोजन लो और कमरे में एक बार बंद हो जाओ, दो चार दिन होंगे दिमाग पागल हो जाएगा। तो वह संत कैसे करते थे, कैसे ये भेद विज्ञान कर पाते थे कि किसी से कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, सुनसान और सात दिन में कोई अलग नहीं, कुछ नहीं, किस तरीके से? गजब की बात है, सोचने वाली बात है। सुनते हैं आचार्य जी सुनील सागर जी से, सात दिन एक बार वो हार करके किस तरीके से एकांत में रहना संभव नहीं लगता आज के काल में, पर वह करते थे। आचार्य आदि सकर अंकलिक जी सुनिए जरा। पीछे कमंडल लेके मुनि बनके सिद्धार्थ तत्व की आराधना करते थे। बताइए सात सात दिन वो क्या करते होंगे गुफाओं में? यानी कोई व्यक्ति एक बार आहार करे और सात दिन तक कुछ न ले, कहीं बाहर ही ना निकले, तो क्या करेगी वो? तब करेगी, किसे तब करेगी? अगर स्वरूप का भान नहीं है, आत्म तत्व का बोध नहीं है, अंतरंग रुचि नहीं है, तत्व की प्रतीति नहीं है, तो अकेला रह रह के आदमी पागल हो जाएगा। लेकिन जिनने समझ लिया एकत्व विभक्त ज्ञानानंद स्वरूप को, हम ऐसे शुद्धात्म तत्व की साधना में इतने मगन हो गए कि बाहर की प्रभाव ना को भी भूल गए, अपने आप में तन्मय रहने का उनका जो महामंत्र था, उस महामंत्र ने, उस नीव ने ऐसा प्रभाव दिखाया कि एक संत ने करने वाली साधक। जब वो बोझ तरफ जाते थे तो क्या सुना ना आपने, सात मुंडा मतलब शांति सागर जी महाराज कृष्ण अवस्था का नाम, उनकी दादी आराधना करते थे। आप विश्राम करें, मोटी दुकान थी उसमें शिवरात्रि विश्राम कर लेते थे, फिर सुबह दूध गंगा वे गंगा नदी पार कराते थे और कंधे पर बिठा करके मुनिराज रह गए और चेला सत्तर बन गए। अंकली गांधी से ज्यादा फेमस शांति सागर जी बारे में हमने भी एक बात कही, सौभाग्य था बोलने का, बोला उनके बड़े से कमंडलू के बारे में। उनका कमंडलू वर्तमान 18 संत और जितने पहले संत हुए हैं उन सब में सबसे बड़ा कमंडलू होता था उनका, क्योंकि एक बार हार लिया कमंडलू भरा फिर वह चले जाते जंगल में, शौच क्रिया शुद्धि के सब वही इस्तेमाल होता था, वो हार के लिए भोजन नहीं करते उसे, ध्यान रखिएगा। सात दिन का इतना बड़ा कमंडलू था, उस कमंडलू के बारे में जब हमने कहा, जरा सुनिए। अलग अलग रहते हैं तो एक एक बोलते हैं और एक के पीछे एक खड़े हो जाते हैं तो 111 बन जाते हैं। यही हमें जैसे समाज में करना होगा, यही सीखना होगा कि एक जना आगे बढ़ जाओ कतार लगा दो, उसके पीछे एक कारवा बन जाए इतना बड़ा कि जैन समाज जो कहते हैं क्वांटिटी में कम है पर क्वालिटी में बहुत ज्यादा है। आदि सागर अकली कर परंपरा के कुछ यहाँ पर लोग ऐसे पौधे देख रहे हैं और जिसमें एक वट वृक्ष है जो अपनी शाखाओं से आज उस संतोषी सागर जी के उस वट वृक्ष को उतना फैला रहा है जो आज कहते हैं कि वर्तमान में सबसे बड़ा संघ आज किसी देश में है, तो वह आचार्य श्री सुनील सागर जी का जो इस समय आदि सागर अकली कर परंपरा। उनके दीक्षा दिवस में कई बातें सुनने को पता है, सबके पास ना कमेंट जो है उनका कमंडलू इतना बड़ा होता था, इतना बड़ा हुआ कि कहते हैं सात सात दिन नौ नौ दिन तक उसमें ना जल दोबारा नहीं आ रहा था। आप सोच सकते हैं एक बार लिया इसका मतलब ये नहीं कमंडलू क्यों है बड़ा, ये नहीं वो एक बार उन्होंने लिया उसके बाद आहार सात दिन तक होता ही नहीं था, उन्हें जरूरत नहीं पड़ती थी इस 55 साल में आज से 1700 साल पहले भी यानी 111 साल पहले भी ऐसे हमारे बीच में संत रहे हैं जो आज भी दिखा सकते हैं कि उपवास की क्या प्रकाशा होती है। सात दिन तक एक बार आहार लिया वो भी छोड़ दे किसी एक चीज का और वह जल्दी जंगल में सात दिन तक मिलते नहीं थे और उनके प्रवचन इस तरह बोल के होते थे, केवल आचरण होता था। वह आचरण ऐसा होता था कि जिसको देख लिया साथ में चल देता था और उसी की याद है कि आज आचार्य श्री के साथी 55 पीछियां साथ चलती है। यह गर्व होता है हमें कि उस परंपरा से आदि सागर जी मापी पीती थी विमल सागर जी सरमती सागर जी और हमारे बीच में आचार्य श्री सुनील सागर जी है। कहते जहां वो बैठ जाते थे उस जगह की रज
जैसे सुना तो आपने कि आचार्य श्री विद्यासागर जी बैठते हैं उस शिला को लोग पूजने वाले थे, चाय वाले उस शिला को देने को तैयार नहीं होता। आदि सागर परंपरा में ऐसे ही है, अगर यहाँ से एक एक माता जी बोलना शुरू करेगी ना तो चार चार भी होने भी तो खत्म नहीं होंगे, इतने इतने उनके बारे में आप अतिशय का चमत्कार करें। मैं तो 10-12 ही पढ़े थे, मैं हैरान रहो देखकर ऐसी ऐसी परंपरा, और आज जो बैठे बीच में वे भी उसी परंपरा के वैल्यू उठी जा जहाँ उनके कमंड में जल छिड़क गया भावों से, जहाँ के भाव निर्मल हुए तो कहते वहां अपने आप चमत्कार हो जाते। आज भी आज के दिन भी देखा जाता है, आपने शायद इतना थोड़ा नजदीक नहीं रह पाए होंगे, हम थोड़ा कुछ दिन रह पाए हैं तो कहते हैं जब खड़े हो जाते हैं ना तो लोग पागल हो जाते हैं उस पीछे के लग जाए। किसी बिरले को मिली होगी मेरे ख्याल मेरे सामने तो नहीं मिली, किसी के हाथ सर पर लग जाए गुरु बैठा, किसी के चरण की रज उसे मस्तक पे लग जाए, कोई चल उनके पर जाए। यह है आदि सागर अंगलिकन परंपरा जिसने ऐसे ऐसे हमें दिए हैं संत जिनके नाम गिनते रहोगे तो हो जाएंगे अनंत, इस तरह के गुण हैं सबके अंदर। ओह 8:15 बजने वाले हैं, जाने की तैयारी होनी है, हर कोई जाना है, अपने का आवाज आनी है। 17 दिसंबर आज रविवार, आज घर में नहीं बैठना है, दुकान नहीं जाने का नहीं, पहले हमें जन आंदोलन अपने तीर्थों की सुरक्षा लिए करना है। चलिए हम और आप चलते हैं अपने अपने क्षेत्र में, बाहर निकलते हैं। सादर जय जिनेन्द्र।